हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक राज में। दोस्तों, आज हम रीवा जिले के एक ऐसे जगह पे आज हम और साथ में नितेश भाई हैं, इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हम आपको पहले यहाँ के व्यू दिखा देते हैं। आगे चलते पहले कहाँ आए हैं, क्या करने हैं, पर इसके बाद हम दोस्तों जो यहाँ पे बताया गया है एक भूतिया झरना, जहाँ पे लोगों का कहना है कि लोग तो दिन में इस जगह पे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होता है यहाँ से सब लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है। सबसे पहले और आगे चलते हैं, पहले हम जैसे बताया कि जैसे ही शाम होता है इस झरने से सबको बाहर कर दिया जाता है। इसके पीछे का जो रीजन है बताया गया, यहाँ पे किसी की आत्मा, क्योंकि दोस्तों आज से कई साल पहले यहाँ पे लोग स्नान भी क्या करते हैं, नहा भी रहते हैं, लेकिन होता ऐसा होता है कि कुछ लोग शाम होने के बाद भी इस जगह पे स्नान कर रहे थे, लेकिन तत्काल कुछ जो लड़के होते हैं जो टूर पे निकलते हैं और ऐसी जगहों पर इंजॉय करते हैं, उन्हीं की मौत हो जाती है इस झरने के अंदर। साफ साफ हम और नितेश भाई उस झरने के पास चलते हैं और कोशिश करते हैं पूरी रात रुकने के लिए, अगर हम लोग को मौका मिला या रुकने दिया जाता है तो पूरी रात रुक कर इस जगह का हम लोग पूरा वीडियो शूट करते हैं। पहले दिन में उसका मतलब क्या व्यू है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर वीडियो करो, चल जाओ। दोस्तों ये पूरा झील जो आपको देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा मतलब इतना अजीब सा जगह, जहाँ पे लोग दिन में तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होता है यहाँ से लोग यहाँ सभी लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जो चीज़ें होती हैं किसी की भी जान ले सकती है, इसलिए यहाँ से शाम होते ही सब हटा दिया जाता है। पूरा व्यू आपको हम दिखाते रहेंगे दिन का, इसके बाद रात में जो हम रुकते हैं उसके बाद रात में भी दिखाते हैं। दोस्तों ये जो जगह है, अभी इस जगह पे हम कोशिश करेंगे पूरी रात रुकने के लिए, अगर मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रुकने तो नहीं दिया जाता है फिलहाल, लेकिन फुल कोशिश करेंगे। पूरा व्यू लेकर चल रहा था, ये वास्तव में रात में कितना भयानक दिखेगा ये खुद ही रात में दिखने की बात करते हैं। वास्तव में यार यहाँ पे शाम को वैसे भी रुकना बहुत अजीब लगता है। पूरा दिल करो यार,
चढ़ाए के बाद सबसे डरावना और सबसे खतरनाक जगह यहाँ पे, इस लोकेशन को विजिट करना कोई खाने का काम नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद हम और नितेश भाई, क्योंकि परमिशन तो ले चुके हैं यहाँ पर रात रुकने का, लेकिन जो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं, यहाँ की जो सरकार है, ये यहाँ पे किसी को रुकने नहीं देती। यहाँ जो कुछ भी है, हम फुल कोशिश करेंगे यहाँ पूरी रात रुक के और क्या चीज़ है इस जगह पे पूरा क्लियर करने के लिए, वास्तव में कोई आत्मा या कोई कुलैल इस जगह पे आज ही मौजूद है। दिन में इतना भयानक है तो रात में कैसा लगेगा। पूरा व्यू लो यहाँ का, एक एक व्यू लो यहाँ, जिससे मालूम हो सके कि वास्तव में दिन में ये कैसा लग रहा था और रात में फिर ये कैसा हो रहा है। आपको देखने को मिलेगा जगह जगह पे प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आना मतलब अलाउड नहीं है, वो भी रात में। दोस्तों जो बताते हैं यही वो जगह है जहाँ पे कुछ आदिवासी या कौन थे कौन नहीं थे वो आज तक क्लियर हो नहीं पाया, वो इसी जगह पर रहा करते थे। लेकिन बताते हैं अचानक पानी आया और सबकी मौत हो गई इस जगह पर, इन्हीं की आत्मा आज भी इस जगह पर मौत।
यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक भूखंड बना हुआ है जो कि आस्था है। ये लोग कोई नहीं जानता है कि वास्तव में ये गुफा कहाँ तक गई थी। इस गुफे के राज आज तक पुण्य सुपा है। जो लोग कहना है कि इसी के अंदर से रात में कोई चीज बाहर आ गई है। फिलहाल लाइट जला हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसके अंदर जाना रिस्क बहुत ज़्यादा है और सांप वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, बाहर ही कोशिश करते हैं रात रुकने की और शाम होने की इंतजार करते हैं।